क्या आप जानते हैं दुनिया भर में शादी को लेकर कई तरह की परंपराएं हैं, जिनमें से कई तो ऐसी भी हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। आपको ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जहां शादी से पहले महिलाएं मिट्टी में रहती हैं, और ये देश हमारे देश से 7 साल पीछे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमार ट्राइब की, जो इथोपिया की एक खास जनजाति है। हमार ट्राइब में महिला को शादी से पहले 5 महीने तक गीली मिट्टी में रखा जाता है। इस दौरान वो नहीं किसी से मिल सकती है, नहीं वो बाहर जा सकती है। महिला के पूरे शरीर में लाल मिट्टी लिपटी होती है, जो उसके सिर से लेकर पूरे शरीर पर होती है। ये एक तरह की खास लाल मिट्टी होती है, जिसे हमार जनजाति बेहद विशेष मानती है। हालांकि हमार ट्राइब में सिर्फ महिलाओं को ही शादी के लिए चुनौती पार नहीं करनी होती, बल्कि पुरुषों के लिए भी एक कड़ी चुनौती होती है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस जनजाति में जो पुरुष महिला से शादी करना चाहता है, उसे बुल जंप से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें शादी की चाह रखने वाले पुरुष को 3 या 4 गायों के ऊपर से कूदना पड़ता है। खास बात यह है कि इससे पहले वो पुरुष महिला को मारता है और फिर बुल जंप की परंपरा से गुजरता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। साथ ही इस जनजाति में शादी की चाह रखने वाले पुरुष को कुछ गाय और बकरी महिला के परिजनों को देनी होती है। जनजाति में एक पुरुष 3 से 4 शादियां भी कर सकता है। हालांकि शर्त ये होती है कि हर शादी करने से पहले उसे उस महिला के परिजनों को गाय और बकरी देनी होगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जनजाति में जो पुरुष जितना पैसे वाला होगा, वो उतनी शादियां कर सकता है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इथियोपिया को दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक कहा जाता है, जिसमें संस्कृति और धर्म का समृद्ध इतिहास। को बता दें कि इथियोपिया में 13 महीने का साल ही नहीं, बल्कि ये देश हम लोगों से 7 साल पीछे भी है। पहले 12 महीने में 30 दिन होते हैं, जबकि आखिरी महीने, जिसे पेग्यूम बोलते हैं, उसमें 5 दिन होते हैं और लीप ईयर वाले साल में 6 दिन होते हैं। अफ्रीका के लिए पहला स्वर्ण पदक इथियोपिया के अबेबे बिकला के नाम आया, जिन्होंने 1960 में रोम में बिना जूतों के ओलंपिक मैराथन जीता था।